दोस्तों घर के अंदर से एक बड़ी अपडेट है, आपको बता दें कि एक एलिमिनेशन हो चुका है, लेकिन इस वीक जो है दो एलिमिनेशन होने थे, 7 लोग नॉमिनेट हुए थे जिसमें से एक एलिमिनेशन हुआ है, दूसरा कब होगा हो सकता है आज शाम को ही या फिर कल हो सकता है, क्योंकि वीकेंड का बार चल रहा था, अनिल कुमार आए थे, शूटिंग चल रही है, कल देर रात एलवी यादव और फैजू भाई भी आए हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से एक लोग का एलिमिनेशन हुआ है, अब आपको बता दें कि कौन वो शख्स है, तो आप सभी जानते होंगे हमारे दीपक भाई यानी कि दीपक चौरसिया जो कि एक टीवी एंकर है, उनका एलिमिनेशन हुआ है, लेकिन एक बड़ी अपडेट जो अनिल कपूर ने कल दी, कल देर रात उन्होंने बताया कि जो फिनाले का दिन है वो डिसाइड हो चुका है। आपको बता दें हमने पहले भी अपडेट दिया था कि भैया 4 अगस्त को फिनाले होगा और वही हुआ 4 अगस्त को, क्योंकि एक हफ्ते का पहले 27-28 जुलाई के बीच में बताया जा रहा था कि फिनाले होने वाला है, लेकिन एक हफ्ते का जो है वो टर्न बढ़ाया गया जिसकी वजह से 4 अगस्त को फाइनल बिग बॉस का फाइनल होने वाला है। इसीलिए तो कहता हूं आप सभी से कि अगर जो भी अपडेट पहले से आपको पानी है ना, तो भाई यहां पर जाइए हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फिट न्यूज वाला, यहां पर इसे जाकर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हम यहीं पर देते हैं, हालांकि वीडियो बनाने में लेट हो जाता है लेकिन यहां पर अपडेट तुरंत मिल जाती है कि कौन एलिमिनेट हो रहा है, कौन नॉमिनेट हो रहा है, कौन जीतने वाला है, कौन बिग बॉस, क्योंकि यहीं पर सारी डिस्कशन होती है। तो चलिए आगे की बात करते हैं, आपको बता दें कि जो वोटिंग ट्रेंड आए थे, जिस वजह से वोटिंग ट्रेंड में भैया लव कटारिया सबसे नंबर 1 पर निकला जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहीं दूसरे नंबर पर सना मकबूल और तीसरे नंबर पर विशाल, ये दूसरा वाला ग्रुप है, हालांकि इस बार शिवानी नॉमिनेट नहीं थी इसलिए वो बाहर है, लेकिन जो दूसरा वाला ग्रुप है जिसको बता रहे हैं बहुत बदतमीज है, बहुत एडी मतलब अलग टाइप का बात करता है, उसी में से लव कटारिया पहले नंबर पर वोटिंग ट्रेंड में आया है, दूसरे नंबर पर सना मकबूल है, तीसरे पे जो है विशाल आया है, अदनान चौथे पर पहुंच गया है, चौथे पर अदनान आया जो वाइल्ड कार्ड एंट्री बताया धमाका होने वाला है, लेकिन वो चौथे पर है। वहीं पर आपको बता दें कि फिर अरमान मलिक है, अरमान मलिक के बाद सना मकबूल छठवें नंबर पर है और सातवें पर थे हमारे दीपक भाई चौरसिया, दीपक चौरसिया जी सातवें नंबर पर, इसलिए उनको घर से बेघर कर दिया गया है। अब आपको बता दें दीपक चौरसिया वैसे भी ज्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते थे घर की एक्टिविटीज में, वो दिन भर बेड पर ही लेटे रहते थे, हालांकि उनसे भी कई बार पूछा गया तो लोगों ने उनसे पूछा घर वालों ने कि भाई आप ऐसे पड़े रहते हो, कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, मुझे बाहर निकालने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दीपक भी जानते थे कि भैया वो कांटेक्ट लेकर आए थे 4 हफ्ते का, तो इसलिए वो भी बिंदास सो रहे थे, लेकिन बिग बॉस के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई कंटेस्टेंट आया और पूरे जो है पूरे शो में वो सोता ही रहा, बेड पर ही रहा और सबसे ज्यादा समय बिता कर गया, भैया 4 हफ्ते 1 महीने शो के अंदर बिना कोई इन्वॉल्वमेंट के बस बेड पर रहना, बैठा रहना, पान चबाना, पान धोकना, यही सारी चीज़ें करना। लेकिन अब दूसरा जो एलिमिनेशन होगा, जिस तरीके से अनिल कपूर ने भी कहा कि इस हफ्ते जो है दो एलिमिनेट होंगे, दूसरा कौन है, एलिमिनेशन किसका होगा, तो हो सकता है कि आज या कल तक इसकी अपडेट आ जाएगी, लेकिन ये बाहर वाले की वोटिंग पर निर्भर करेगा या फिर घर वालों को टास्क दिया जाता है। अगर घर वालों को टास्क दिया जाएगा तो हो सकता है कि सना मकबूल, सना सुल्तान ना जाकर कोई बड़ा कंटेस्टेंट जा सकता है, अगर अरमान मलिक जिसे हेड ऑफ हाउस का दर्जा दिया गया है कि वो निकालेंगे या फिर वोटिंग कराई गई तो कोई बड़ा कंटेस्टेंट निकलेगा। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में लिख डालिए कि दूसरा एलिमिनेशन किसका होगा, और हाँ अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो यहां पर जाकर फॉलो कर लें यार, क्योंकि सारी अपडेट यहीं पर आपको मिलेगी।